एक वीवर का क्वेश्चन है कि इस तरह के सेंटेंसेस को कैसे बोले जहां हम कहते हैं तुम मनचाही खाना खा सकते हो, तुम मनचाही कॉलेज में पढ़ सकते हो, तुम अपनी पसंद का काम कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे कहूंगा इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप बाय चॉइस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, आइए कुछ एग्जांपल्स देखें ताकि आप इस बात को आसानी से समझ सकें। अगर आपको कहना हो कि तुम मनचाही खाना खा सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन ईट बाय चॉइस। अगर आप चाहें तो बाय चॉइस की जगह पर बाय योर चॉइस भी बोल सकते हैं, जैसे यू कैन ईट बाय योर चॉइस, यानी तुम अपनी पसंद का खाना खा सकते हो। अगर आपको कहना हो तुम अपनी पसंद का काम कर सकते हो, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन वर्क बाय चॉइस। आप ये भी कह सकते हैं यू कैन वर्क बाय योर चॉइस, यानी आप मनचाही काम कर सकते हैं या आप अपनी पसंद का काम कर सकते हैं। आप मनचाही कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन ज्वाइन अ कॉलेज बाय चॉइस। या आप ये भी कह सकते हैं यू कैन ज्वाइन अ कॉलेज बाय योर चॉइस, यानी आप अपने पसंद से कॉलेज ज्वाइन कर सकते हैं। आप मनचाही ड्रेस ले सकते हैं, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे यू कैन टेक ड्रेस बाय चॉइस या यू कैन टेक ड्रेस बाय योर चॉइस, यानी आप अपनी पसंद का ड्रेस ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि जब कभी भी आपको अपने लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलना हो जहाँ आप कहते हैं मन चाही या अपने पसंद का, तो इस तरह के सेंटेंसेस को बोलने के लिए आप बाय चॉइस का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि यह लेसन आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करें, मैं जल्द आपके क्वेश्चन पर वीडियो बनाऊंगा। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।